नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रॉय। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हाउ टू कनेक्ट एन ऑनलाइन क्लास विद गूगल क्लासरूम। और गूगल क्लासरूम में जितने भी सपोर्टिंग एप्लीकेशंस का रिक्वायर्ड है वो सारे चीज के बारे में हम लोग इन डिटेल्स देखेंगे। आप अगर स्कूल्स कॉलेज इंस्टीट्यूशन के एडमिन में हो, टीचर्स हो, फिर भी आप क्लास कंडक्ट कर सकते हो। और कोई स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से उससे भी पता चलेगा कि किस तरीके से हम ऑनलाइन क्लास को बढ़िया तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के लिए एक एडमिन अकाउंट जरूरी है गूगल में। जी सूट का अकाउंट हो तो बेटर है, पर्सनल अकाउंट हो फिर भी हो सकता है। तो आप एक गूगल अकाउंट ओपन करो और कुछ एप्लीकेशंस को आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूटिलाइज कर रहे हो तो, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर्स विंडोज मोड पर इस्तेमाल कर रहे हैं देन नो प्रॉब्लम, आप उसको वेबसाइट के थ्रू से, ब्राउजर्स के थ्रू से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो नंबर वन आप नोट डाउन कर लो कि आपको जीमेल अकाउंट का रिक्वायरमेंट होगा, गूगल ड्राइव का रिक्वायरमेंट होगा, गूगल डॉक जो डॉक्यूमेंट के लिए रिप्रेजेंट करता है उसका आपको जरूरत होगा, गूगल कैलेंडर का रिक्वायर्ड होगा, क्लासरूम एप्लीकेशंस का आपका रिक्वायर्ड होगा या तो आप लिंक से जैसे फॉलो कर सकते हो। और लाइव क्लासेस करने के लिए आपको क्या है, गूगल मीट बोल के एप्लीकेशन है या उसका लिंक आपको गूगल सर्च बॉक्स में दिखाऊंगा तो वो हो सकता है। आपको यूट्यूब चैनल एक चाहिए, आपको कोई भी इंटरेक्टिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपको देने के लिए आपको वहां पे, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे। साथ में जो है क्या है, इंटरेक्टिव वीडियोस का सॉफ्टवेयर एडिटिंग अगर आपको आता है तो दैट शुड बी द बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप वहां पे बहुत सारा चीज एडिट करके परफेक्टली आप वहां पे टेक्स्ट, पिक्चर्स, फोटोज आप ऐड कर सकते हो, जो भी नोट्स है उसको भी आप वन साइडेड ऐड कर सकते हो एनिमेशन के हिसाब से, वीडियो एडिटिंग के हिसाब से। और उसके बाद आपका इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा, और UPI मोड ऑफ पेमेंट किस तरीका से इस्तेमाल करना है, सपोज गूगल पे या फोन पे है तो उसको किस तरीका से इस्तेमाल करना है। ये कुछ एप्लीकेशंस है जिसके माध्यम से हम कंप्लीट एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये जो है एक ही पार्ट में तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको वन बाय वन करके मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पे वो सारे लिस्ट को, प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट गूगल अकाउंट है नो प्रॉब्लम, आप उसको स्किप करके गूगल ड्राइव पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पे आपको डाउट है वो सारे को देख सकते हो। तो चलिए फिर हम इसका शुरुआत करते हैं। फिर हम इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखते हैं और जीमेल अकाउंट कैसे खोला जाता है क्रिएशन। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको यहाँ पे आप अपने मोबाइल पे क्या है, आप हॉटस्पॉट ऑन करो। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा शो कर रहा है, यहाँ पे कनेक्ट मैं कर देता हूँ। सॉरी, इसको कनेक्ट करने से पहले मैं कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके क्या है, आपको एक चीज चेक कर लेना, अगर आप विंडोज 10 यूटिलाइज करते हो तो विंडोज R करके आपको यहाँ पे सर्च करना है रन बॉक्स में services.msc और इसको एंटर कर लेना है या तो ओके कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सर्विसेज का कंप्लीट लिस्ट आपको ओपन हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, कहीं पे कोई छेड़खानी नहीं करना है क्योंकि उससे आपका विंडोज का माल फंक्शन हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट बोल के जो एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए विंडोज अपडेट, तो ये जो है जनरली आपका यहाँ पे मैन्युअली या ऑटोमेटिक होकर होगा, तो इसको क्या है डिसेबल करना है। अगर ये रनिंग रहेगा तो इसको स्टॉप कर लीजिएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको करके, और जब आप ऑन करते हो या इंटरनेट कनेक्ट करते हो तो इसको काइंडली इसको ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप ऑन रहता है तो क्या है आपका सिस्टम का इंटरनेट कंज्यूम जो है बहुत हाई स्पीड में होगा और नियरली अप टू डेट फाइल्स, एक एक अपडेट फाइल जो है मोर देन 1GB 2GB का फाइल होता है, तो यानी कि आपका कंप्लीट डे का जो पैकेज होगा इंटरनेट का वो कंज्यूम कर जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ कि मेक श्योर मैंने कर लिया कि हमारा विंडोज अपडेट जो है वो ऑफ है, डिसेबल किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी आप ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल क्रोम ब्राउजर जो है आपका बेस्ट ब्राउजर होगा यहाँ पे। तो गूगल क्रोम मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और मैं जितने भी एप्लीकेशन जो रिक्वायर्ड होगा आपका ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करने में
या स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो मैं डिटेल्स में आपको दे दूंगा, लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो ये सारा चीज का ऊपर मैं देने जा रहा हूँ। जो आपका एड्रेस बार है यहाँ पे आपको सर्च करना है gmail.com और इसको एंटर करना है। यहाँ पे हमारा जो है जीमेल जो है ऑलरेडी लॉगिन है जी सूट के माध्यम से, गूगल सूट। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा दो जीमेल है, info@ultimacademy.com ये ओपन है, और प्रवीण कुमार रॉय जो कि मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है वही लॉगिन है। चलिए इसमें ऐड अनदर ऑप्शन में करता हूँ। अगर जिन लोगों का ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो इस तरीका से ऑप्शन आएगा, अगर जिनका ईमेल एड्रेस आपका कंप्यूटर में रजिस्टर्ड नहीं है वो डायरेक्टली इस तरीका से आएगा। अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप क्या करो, यहाँ से क्रिएट करो, क्रिएट पे क्लिक करो। आपका यहाँ पे सिंपल कुछ फॉर्म्स आएगा, वो फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ यदुराज रॉय, यदुराज 11A, और पासवर्ड जो है क्या है आपका पासवर्ड, मिनिमम यूज 8 और करेक्टर टू मिक्स ए लेटर नंबर्स एंड सिंबल्स, यानी कि लेटर सिंबल्स ये सब मिक्स करके आपको देना है और आपको रिमेम्बर रखना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसमें मैं कैपिटल लेटर भी यूज करूंगा, स्मॉल लेटर मैं यूज कर रहा हूँ, सिंबल्स यूज कर रहा हूँ और नंबर्स भी मैं यूज कर रहा हूँ। वैसा आप दे सकते हो जो कि आपको रिमेम्बर होने के लिए आपको इजी हो। लेकिन हाँ, पासवर्ड देने से मैं आप कुछ फॉलो करके चलो कि ये जो है आपका जीमेल जो है इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बैंक ट्रांजेक्शन से लेकर एवरीथिंग इससे कनेक्टेड हो सकता है। तो इसीलिए ये पासवर्ड जो है आपका सिक्योर्ड होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ, गाड़ी का नंबर या वैसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं जो कि गेस करने में किसी को आसानी हो, और ये हाईली सीक्रेट होना चाहिए, आपके पास ही होना चाहिए, आप किसी को ना दो। चलिए मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो है फोन नंबर यहाँ पे खोज रहा है, तो फोन नंबर चलिए मैं दे देता हूँ मेरा 8135084922। रिकवरी ईमेल खोज रहा है कि रिकवरी अगर कुछ भी होता है तो रिकवरी मेल कौन होगा। तो मैं यहाँ पे अपना मेल, मैं पर्सनल मेल मैं दे देता हूँ, आप किसी का भी जानकार लोगों का रिकवरी मेल दे सकते हो। और यहाँ पे आपका जेंडर, फिर आप ये फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे जो लिखा है पेरेंट ईमेल और फोन नंबर, क्योंकि ये जो है आपका मैं जो दिया इनका एज जो है माइनर्स में आता है, तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर या तो ईमेल एड्रेस खोज रहा है। मैंने अपना दे दिया यहाँ पे। अभी जो यहाँ पे वेलकम मैसेज आया टू हेल्प यदुराज फाइंड नेक्स्ट, तो पासवर्ड खोज रहा है, जो पासवर्ड मैंने उस समय दिया था उसको मैं यहाँ पे फिर से दे देता हूँ और इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो सेंड एसएमएस, आप इसको क्या है वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या है, चूज द प्रोवाइड कंसेंट, आप इसको पासवर्ड दे सकते हैं, यूज योर अकाउंट इनटू टू वेरीफाई योर यदुराज पेरेंट्स, सेंड एसएमएस। मैं सेंड एसएमएस करता हूँ, तो एक जो है 6 डिजिट का आपका वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड मोबाइल पे आएगा, तो वो क्या है पेरेंट्स के मोबाइल पे आएगा, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हम माइनर्स का भी खोल सकते हैं, और जो आपका 18 इयर्स का एबव एज का है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो डायरेक्टली वो अपना अकाउंट अपने मोबाइल नंबर यूज करके खोल सकता है। तो प्रोसीड्योर सेम होगा, माइनर्स के अकाउंट में थोड़ा सा प्रोसीड्योर स्टेप जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये यह हमारा यहाँ पे वेलकम अकाउंट ओपन हो रहा है। अगर आपको इंटरनेट स्लो है तो लोड बेसिक्स HTML आप कर सकते हो, अगर स्लो कनेक्शन है तो आपको यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड दो चीज को रिमेम्बर रखना है, नोट डाउन करके आप रख लो सेफ कस्टडी में। और उसके बाद जो है आप इसको किसी भी डिवाइस पे आप लॉगिन करके, एंड्रॉयड में हो,
आपका विंडोज मोड पे हो, कहीं पे भी आप लॉगिन करके इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो है, ये जो मैंने अकाउंट ओपन किया था, यहाँ पे एक वेलकम करके आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे यदुराज वेलकम टू गूगल अकाउंट। अब जो है इस गूगल अकाउंट को यूज करके हम सारे जगह पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं जो भी करना है। तो ये जो है इनबॉक्स, इनबॉक्स जैसे एसएमएस आपको किसी को मेल भेजना है तो आप कंपोज पे जाओ, कंपोज पे क्लिक करके आप यहाँ से ईमेल किसी को सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है रिसिपियंट, यानी कि आप किसको ईमेल करना चाह रहे हो उसका क्या है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, सब्जेक्ट दे सकते हो और यहाँ पे आप जो मैसेज लिखना है आप वहां पे ये कर सकते हो, ईमेल दे सकते हो और उसके बाद यहाँ पे सेंड। इस तरीके से टेक्स्ट, यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है, कोई फाइल अटैच करना है आप अटैच करके भेज सकते हो। तो इसके बारे में अगर डिटेल्स आपको यूटिलाइज कैसे करना है उसको ब्रीफली मैं बता देता हूँ, और आपको इन डिटेल्स अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो मैं इसका ऊपर भी इन डिटेल्स में दूंगा कि आप किस तरीके से एक बहुत ही डिजाइनिंग फुल आप ईमेल क्रिएट कर सकते हो और जिसमें फाइल अटैच करके और भी टेक्स्ट पिक्चर्स आप ऐड करके भेज सकते हो। तो यहाँ पे इनबॉक्स है, जहाँ पे आपको इनबॉक्स दिखेगा इसको मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये इनबॉक्स है, जो भी आपका मैसेज जो आएगा बाहर से आपके इनबॉक्स में शो करेगा। उसका स्टार्ट है, अगर कोई को आप किसी को आप स्टार्ट कर देते हो तो क्या है, वो स्टार्ट में शो करने लग गया। स्नूज सेंड, कोई भी सेंड आइटम है जैसे कि मैंने अभी सेंड किया, तो आपको यहाँ पे उसका सेंड में ये आ गया, ये मेल मैंने जो सेंड किया। इस तरीका से और भी ऑप्शंस है जिसको आप वन बाय वन करके देख सकते हो क्या क्या है। अगर कोई कन्फ्यूजन डाउट्स होता है तो आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर एक वीडियोज बना के आपको दे सकते हैं। और आगे का जो पार्ट होगा वो प्लेलिस्ट में है, वो आपको मिल जाएगा फिर। सो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।